नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पंकज खेसारी यानी कि मेरा नाम भी और मेरा चैनल भी वही मैंने रख दिया जो कि पहले ऑफिशियल था, मैंने अब चेंज करके पंकज खेसारी रख दिया। काफी दिनों से इस पे वीडियो नहीं आ रही थी इसलिए कि मैं सोच रहा था अब गाने का क्या किया जाए, जब तक अर्निंग नहीं हो रही है तब तक गाना फिलहाल जब तक बंद है, चैनल पे कुछ ना कुछ तो अपलोड करना ही चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ अपलोड करना चाहिए, वो मतलब नहीं है, मैं नॉलेज की चीजें बताऊंगा आपको ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके और मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को बताऊं कि मैं कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैं इस टॉपिक को बनाने वाला हूं कि कैसे मात्र 15 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा आप पूरा कर सकते हो सिर्फ 15 दिनों में। ये कोई हलवा नहीं है, मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा सिर्फ 15 दिनों में, मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक साल से मेहनत कर रहा हूं मेरा हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ भाई, ये तो जान जाओ। इस वीडियो में वीडियो पूरा देखना ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और ये काफी जानकारी वाली वीडियो होने वाली है, जैसा कि मतलब कोई भी वीडियो मतलब फालतू का नहीं होता, कुछ ना कुछ आप देखोगे कुछ ना कुछ आपके लिए ही होगा ये। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकबक के झकझक के, तो चलो स्टार्ट। वीडियो वायरल होने के कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं, मैं आपको यहाँ पे चार रीजन बताऊंगा ताकि आप 15 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा कर सकोगे। पहला जो टॉपिक है ट्रेंडिंग टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, जैसा कि अभी चल रहा है टिकटॉक बैन, यूसी ब्राउजर बैन, मतलब चीन के सारे एप्स बैन हो चुके हैं हमारे भारत में, तो आप अगर इस ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब ये है कि जैसे पूरा बस यही चल रहा है टिकटॉक बैन हर जगह यही दिख रहा है, तो आप इस पे वीडियो बनाओ ताकि आपका वीडियो वायरल हो सके। हो सकता है आपके इसी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, क्या पता लाख दो लाख व्यूज इसी से मिल जाए आपको, तो इससे आपका 4000 घंटा पूरा होने का चांस भी रहेगा और आपके 1000 सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं। यह था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक यह है कि आप हैशटैग का यूज करो, हमेशा हैशटैग का यूज करो। कैसे हैशटैग यूज करोगे, अच्छे अच्छे हैशटैग का प्रयोग करें, जैसा कि अभी चल रहा है हैशटैग टिकटॉक बैन इन इंडिया, हैशटैग टिकटॉक बैन, हैशटैग टिकटॉक चाइना एप्स बैन इन इंडिया, ऐसे करके कई सारे हैशटैग अभी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप हैशटैग का अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालते हो कि हैशटैग टिकटॉक बैन, तो ये हैशटैग यूज करते हो, तो हैशटैग का क्या होता है कि अगर आप हैशटैग पे क्लिक करते हो तो हैशटैग जो सबसे ज्यादा रैंक किया होता है वीडियो वो आपको फर्स्ट पे शो होगा, जैसा कि मैं आप सबको दिखा रहा हूं। ऐसे होता है, मतलब अगर आप हैशटैग का यूज करते हो तो भी वायरल होने के चांसेस रहते हैं, तो हैशटैग का प्रयोग हमेशा करना अपने डिस्क्रिप्शन में। यह था दूसरा। और तीसरा यह है कि आप हमेशा बड़े यूट्यूबर्स का नाम ऐड करने की कोशिश करो ताकि आपका वायरल वीडियो हो सके, जैसा कि मैंने टेक्निकल गुरुजी, हमारे टेक्निकल के मतलब गुरुजी ही हैं वो, तो टेक्निकल गुरुजी का इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ट्रेंडिंग नंबर वन पे टिकटॉक बैन इन इंडिया। हमेशा अपने वीडियो में बड़े यूट्यूबर्स का नाम ऐड करने की कोशिश करो और उनको टाइटल में लाओ, जैसे टिकटॉक बैन इन इंडिया, टेक्निकल गुरुजी, फिर उसको डिस्क्रिप्शन में भी डालो, टैग्स में भी डालो, टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग, अगर इन तीनों में आप डालते हो तो पक्का आपकी वीडियो वायरल होंगे। उनका नाम भी यूज करो लेकिन नेगेटिव वीडियो मत बनाना, अगर नेगेटिव वीडियो आप बनाते हो उनको रोस्ट करते हो तो भाई मतलब हेटर से पैदा होंगे, फैन नहीं पैदा होंगे, अगर अच्छी वीडियो पॉजिटिव वीडियो बनाते हो उनके ऊपर तो आपके फैंस पैदा होंगे, ऐसा मैंने खुद देखा है। यह था तीसरा टॉपिक कि आप मतलब बड़े यूट्यूबर्स का नाम ऐड करो। चौथा टॉपिक यह है कि आप न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाओ। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे लाइक मी, मुझे ही ले लो, कोई लोग गाना गाते हैं, कोई लोग यूट्यूब पर डालते हैं, ये सेटिंग कैसे करें, ये अनबॉक्सिंग, वो अनबॉक्सिंग, मतलब 250 से 300 वीडियो डाल देते हैं लेकिन वीडियो वायरल ही नहीं होती। तो आप हमेशा नए टॉपिक पे वीडियो बनाओ, जैसे कभी कॉमेडी बना दो, कभी सिंगिंग ही कर दो, कभी कुछ कर दो, मतलब हमेशा कुछ नया नया करने की कोशिश करो जिनमें से आपका वीडियो ज्यादा रैंक हो, आप उस टॉपिक पे वीडियोस बनाना शुरू कर दो ताकि आप आगे चल के उस काम को अच्छे से मतलब कर सको। आप हमेशा उसी वीडियो को बनाओ जो आपका वीडियो वायरल हो और हमेशा नए टॉपिक को सर्च किया करो। अगर आपका वीडियो चल रहा है तो भाई कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो हमेशा नए नए वीडियोस बनाओ, कुछ अलग अलग किया करो ताकि आपके वीडियो वायरल हो जाए। ये सिद्ध हो चुका है, मतलब अगर आप नहीं करोगे तो भाई इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, मैं बता रहा हूँ आपको। प्लीज अगर आप ये मतलब एक दो साल से मेहनत कर रहे हो फिर मतलब डिप्रेशन में बहुत सारे लोग चले जाते हैं यार यूट्यूब पे सक्सेस ही नहीं मिल रहा, तो हमेशा नए टॉपिक पे वीडियोज बनाने की ट्राई किया करो, क्या पता कौन सा वायरल हो जाए, लेकिन टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग जो कि बहुत ही जरूरी है, अगर आप इन तीनों का सही से प्रयोग करते हो तो वीडियो वायरल होने का चांस है। और थंबनेल हमेशा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाओ, जैसे कि मतलब कुछ ऐसा थंबनेल बनाओ कि जैसे मतलब लोग क्लिक करने के लिए पागल हो जाए उस पर,
ऐसा थंबनेल बनाओ कि लोग, मैं अभी कुछ ऐसा थंबनेल जिसमें क्वेश्चन टाइप का, जैसे टिकटॉक बैन क्यों हुआ इन इंडिया में, मतलब ऐसे तो नहीं, मतलब सब जानते हैं कि चीन में क्या चल रहा है भारत का, कुछ ऐसा बनाओ जिसमें क्वेश्चन पैदा हो, जिसमें क्वेश्चन, जैसे मैं बना रहा हूँ कि कैसे 15 दिनों में 4,000 घंटा और 1,000 सब्सक्राइबर पूरा करिए, टॉपिक मैं बना रहा हूँ और आप क्लिक करके देख रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको ये करना है। तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक था आज के लिए, मैं बस इतना ही करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मुझसे मेरे कमेंट में करना आप, अगर ये नहीं होता है तो 15 दिनों में आप टिकटॉक पर वीडियो बनाओ, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाओ, फिर देखो आपका कैसे वायरल नहीं होता। तो बस आज के लिए इतना ही, ये 4 टॉपिक थे। पहला कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ, दूसरा हैशटैग यूज करो, तीसरा नए यूट्यूबर्स का नाम ऐड करने की कोशिश करो, और चौथा नए नए टॉपिक पे वीडियोस बनाने की कोशिश करो ताकि आप वायरल हो सको। बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ये जरूर बोलना, सब्सक्राइब करो, अभी याद आया मुझे, मतलब सब्सक्राइब करवाना जरूर, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करवाते हो तो व्यूज आने के चांसेस होते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, हर हर महादेव, और बाकी सब बढ़िया।